उज्जैन में ईद नमाज के बाद नारेबाजी, हिंदू संगठन की मांग, दोषियों के खिलाफ हो FIR, पुलिस कर रही जांच। बेबस दिखा पुलिस प्रशासन, मेरठ में सख्ती के बावजूद सड़क पर हुई ईद की नमाज। पप्पू यादव के आवास पर पुलिस की छापेमारी, पूर्णिया से निर्दलीय लड़ रहे लोकसभा का चुनाव। आटा दाल का भाव बताते हुए राहुल गांधी ने की कांग्रेस और बीजेपी सरकार की तुलना, बोले हम आए तो हर साल देंगे 1 लाख रुपए। मोदी सरकार में आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है, ऋषिकेश में पाकिस्तान पर गरजे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान से नहीं रुक रहा आतंकवाद तो भारत की ले लें मदद, राजनाथ सिंह ने फिर दी चेतावनी। दिल्ली के इतिहास में पहली बार सड़कों पर नहीं हुई नमाज, LG ने इमामों को दी बधाई। अदालत के फैसले से तृणमूल कांग्रेस की चुनावी मुश्किलें बढ़ी। साइबर ठगों के चंगुल से गुरुग्राम पुलिस ने बरामद किए 1.32 करोड़, पीड़ित ने पुलिस का जताया आभार। तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका, वीरप्पन की बेटी विद्या रानी ने छोड़ा भगवा पार्टी का साथ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।